बड़े बली इतनी खूबसूरत दमयंती दो बालका की मां इंद्रसेन और इंद्रावती की, पर ऐसा रूप था जैसे कवारी कन्या का होता। अरे भाव दिया था दान मांझे राम ना बखत चुकेगा, पागल का है संसार तमने थूकेगा, नल का छोड़ दे ख्याल वो तमने फूकेगा, पानी बना रहा पेड़ छोड़े मुसूकेगा, अरे कलर के मां खड़िया पेड़ बन फलका, अरे खटका कर दे दूर तुम बावड़े नल का। ऐसा रूप दिखा दिया जैसे कवारी कन्या का होता है, कलर का मां खड़िया पेट बन फलका। पर ये देखा कितना दिमाग रहा होगा उन लोगों ने जिन्होंने ये कविताएं बनाई, सब क्यों कह दिया सब क्यों पढ़ दे में कितने सुने। उधर जैसा विद्याधर ने बताया था राजा नल, तो राजा ऋतुपर्ण का दरबार लगया हुआ और ईसाई रह रहा था को दो ढाई फुट का काला कुरूप भूंडा भूंडा दीन भूंडी शकल, और दरबार में जाके निवला महाराज की जय हो राजा ऋतुपर्ण लखाया। निवला भाई खेल दिखानिया सो आपको सर्कस वर्कस आड़े रो, निवला महाराज ने मांगा कुछ नहीं, हो मैं तो दुखी आदमी हूं आपकी शरण में आया हूं कुछ काम चाहता हूं, ये काम जाना है भाई क्यों कर दुखी है। हे महाराज मैं कभी राजा नल का सारथी हुआ करता था, बाहुक मेरा नाम है, राजा नल का राज तो भ्रष्ट हो गया, वहां पुष्कर का अधिकार हो गया, नल दमयंती को निकाल दिया, और पर राजा नल के बगैर मेरा जी नहीं लग गया, मैं भी उस निषद देश ने छोड़ आया, उसका रुख का बड़ा था बाहुक का, निवला रख तू सबो बाहुक, निवला महाराज मेरा नाम ही बाहुक, निवला भाई तुमने तो को टेस्ट देने की जरूरत नहीं, जो काम उड़ा कर करता ओ अड़ा कर ले घोड़े अड़ा आके लिए। वहां राजा ऋतुपर्ण का राजा नल दास लग गया घुड़शाला में रहा, उधर दूसरी तरफ जब भील ने गलत दृष्टि डाली और उसकी तरफ बढ़ना चाहा, पतिव्रता औरत का सत्य बताते हैं, वहां दमयंती ने अपने सत से उस भील को भस्म किया, दगेता दन जगह जगह गाया दमयंती के सत के कारण जंगल में एक नीच मर, इंद्राणी के खास श्राप से नाहूक सुरुख से आने गिरा, मेरे पति के लहू पशे का एक बियामान में दरव धरिया, तेरे से तीरज गरीब तू जाने दे धर्म तेरा, चंद का सब कुछ तू जान दिया तेरे घर डेरा, ये तो मुझे अकीदा है कि मर ना सका पति, जगह जगह दमयंती के उदाहरण दिए, और वह आग धदकी राजा की छोरी थी राजघराने में पैदा हुई थी राजा के ब्याही गई थी उनके जुलम देखे देखे एकदम वह आग धदकी वो हाहाकार करके जब वो भील जमीन पर गिरा डरगी कान्ना का हाथ लाकर कलकी मार के बाजरी है परमात्मा, झाड़ बोलड़े पड़ती ना सारा गात छुल गया सारे गात मांग लहू जरे, आगे एक महात्मा मिलता है बेटी डरती कौन है, न्यूरी बाबा जी हट जा, हे बेटी कौन है, हे महाराज मैं खूनी हूं मैंने कत्ल किया है, मैंने अभी अभी एक आदमी को मारा है बाबा जी मैंने जाने दे, ये तू शांति बना तू अड़े बैठ कौन है, बाबा जी मैं कातिल हूं डंडी क्या क्या कत्ल किया तुमने, सारी कहानी रोते पीटते दमयंती ने बता दी, बाबा जी ने उसको उस संत महात्मा ऋषि ने उसको सांत्वना दी, हे बेटी शास्त्र कहते हैं आत्म रक्षा के लिए अगर किसी का वध भी करना पड़े तो परमात्मा की नजर में वो दोष नहीं है, ये तेरा कोई दोष नहीं है, तुम घबराओ मत, थोड़ी तसल्ली बनी। फिर निवला बेटी ये इतने भयानक जंगल में ये त्रिवोरत की जात तू अरे क्या करे, हे महाराज मैं अपने पति से बिछड़ गई मैं उसकी इंतजारी में हूं उसकी तलाशी में, निवला इस जंगल में और तू तो मैं तलाश कर लेगी, ए वो अरे ताई तने लिया तने सुत्ती ने छोड़ गया बताओ कदे तने छोड़ने ले आया हो, हे महाराज ऐसा मत कहिए उसमें दोष नहीं है, वो बेचारा विपत्ति का मारा हुआ है वो समय का मारा हुआ है, निवला ए कद खोया दाओ, निवली बाबा जी दूसरा दिन निकले आया, हे पागल कितने एक भील मारेगी कितने एक मनसा ने मारेगी वो तो दिन लकड़िया है,
डंडा लकड़ते एक तो टकरा लिया डंग डंग पत्री तो काट पाऊंगे। फिर औरत की जात है जब गुजारा करना हो ना तो बेटी तेरे को मैं रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते चली जा, आगे नगरी मिलेगी, वहां जाकर तुम अपना समय बिता लेना, तेरे भाग में तेरे पति से मिलना होगा तो कदम कदम मिल जाएगा। बाबा जी कड़े सा वो देख रास्ता। संदीप सुनो फतर सिंह जी 100 रुपए इतने बार बार धन्यवाद का जाई। और बाबा जी रोज जो राह बताओ उसके लखा एकदम माथा पकड़ कर अड़ दे ही बैठे क्यों ओ एरा जो राजा नल ने बताया था शुरुआत चले तक करी थी लक्ष्मी चंद का सुन दमयंती कितके तेरी नंगा दे विंध्याचल पर्वत नदी पोषणी जड़ सारी ये दुनिया नहास है पर्वत से उतर के थोड़ी दूर पर कौशल देश का राज है एक रास्ता चंदेरी है कुंदनपुर न जा। जब राजा नल ने कहा था कि दमयंती कहा चली जा ओ हेरा बाबा जी ने बता दिया माथा पकड़ के बैठ गई। हे परमात्मा दे मेरी किस्मत 2 दिन हो गए टक्कर खाची नर घूम फिर कौड़े फेरा जी मेरे भाग में ही रास्ता लिखा है इन्हें मिटेगा कौन। उड़ जाके न्यू पे चल गई जय कुंदनपुर चली गई जिसने पेट पाड़ कर जाई है इस हाल में देखेगी और डकरा का मच जाएगी। उस चौराहे पर खड़ी खड़ी दोनों रास्ते निहारती रही फिर उसका ध्यान आया देख उसकी माँ जकर किया करती बेटी मैं तो कुंदनपुर के राजा के ब्याह ही थी और मेरे से जो छोटी बहन है जो तेरी मौसी वह चंदेरी के राजा के ब्याह रखी मौसी ने कभी दमयंती को नहीं देखा था और दमयंती ने कभी मौसी को नहीं देखा था वह चंदेरी कैड हुई। आदरणीय सुबेदार साहब ओम प्रकाश जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। चंदेरी शहर में चली जाती है आधी साड़ी में गात लपेट रही सारे गातमा का खून लहू जरे धूल माटी हुई को भगतनी कह को बाउड़ी कह को सत्समण कह को ईट पत्थर मारे को रोटी बगावे। 4-5 दिन जब ये वाक्या चलता रहा एक रोज वहां की पटरानी जो उसकी मौसी थी उसने उसको बुलाया कौन है तू 3-4 रोज से सारा नगर तेरे पीछे लगा हुआ क्या क्यों कर से कितारी है आंखों में पानी आ जाता है हाथ जोड़ दिए निवला जी मैं मैं तो एक दुखिया औरत और अपना समय काटती फिरूं हूं ए कौन कटन देगा तेरा समय औरत की जात है जवानी पहरे में वैसे ये कड़ा काटेगी तू समय अगर तने समय काटना तो एक काम कर के तू ऑर्डर है चुप कर रहा हूं ए राजा नल तो बिछड़ कर चला गया दास घोड़े अकनिया सारथी और दमयंती संदेरी में महारानी दो रहे वाह क्यों कर रही क्या लिखा था तन कर
नहीं आया, छाड़ी काट के एक दिन छोड़ गया, मानस हार के मारने पड़ गए, दासी रहना पड़ गया, फिर भी न्यू गए पतिवर्ता की परिभाषा, फिर भी न्यू मेरे पति का छोट नहीं है, कोई इनको समय बिगड़ गया। शेर सिंह जी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। इस जिंदगी में काट लिए, इस जिंदगी में काट लिए, दमयंती अर्णवी इस जिंदगी में काट लिए जिसे पूर्व में बोए थे। अरे पंजा लिखा हिंदुस्तान है, दादा का एक वजन है, टेक टेक जीवन को सार्थक करती है, जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है, और कर्मों के अनुसार जन्म ले वो भोग भोगने आता है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में एक इंसान की योनि है के जिसमें बुद्धि का समावेश है, तो शुभ कर्म करके भजन परमात्मा का करके मोक्ष के रास्ते को तलाश कर सकता है, और जितनी भी योनि बचगी किसी में भी संभव नहीं है छोड़ के इंसान की योनि, कम से कम ऐसा कर्म जरूर हो अकट के इंसान बन जाए। जब एक दिन भी एक योनि में काटना पड़ गया तो निकालियो कितने साल बनेंगे, कछुआ बन गया तो 350 साल की उम्र है, और सांप बन गया तो 2500 साल की सांप की नहीं देखियो, अच्छा मानस कट बना जाएगा, कितना अनमोल चोला है, और देखियो पर मानस खोन लग रहा जुलम की बात है, अरे चुपकर मानस बनेगा, जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है, जो कर्म कर रखा है वो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, कदे किसी का न्यू बैम हो आपको ब्राह्मण काट देगा, तांत्रिक काट देगा, गुरुजी काट देगा, कोई खड़ा नहीं काट सकता, या गारंटी की बात है, मोहर लाए तो खुद का कर्म खुद न भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता, इतने सादा हिंदुस्तान, इतना बावड़ा हिंदुस्तान, इसने बचाओ क्यों करे,
आडम्बरम फंसने की जरूरत नहीं। शुभ कर्म करो, शुभ फल मिलेगा। मुंडे करोगे मुंडा मिलेगा, ले रोड़ा नहीं, घने कहने की जरूरत नहीं। सब समझदार है। अरे दमयंती ने भी कही, क्या कह दी? इंद्रावती नाना के राजा भीमसेन के पहुंच गए। राजा भीमसेन ने रानी ने देखा, बाज का बाला छाती गलाए के बेटा, तुम्हारी मां भी साथ नहीं है, राजा नल भी साथ नहीं है, अरे उदास चेहरा है भाई, के बात है? दोनों बालक फूट कर रो पड़े। नाना नानी आ गए, सारा जकरा कर दिया कि मेरे बाप ने जुए में सब कुछ हरा दिया और आगे का हमने बेरा नहीं। सब कुछ हारने के बाद हम दोनों बहुत ना जबरदस्ती मामा के भेज दिए, एकदम मामा के जाओ। इतना बोल सुनते ही राजा भीमसेन चक्कर खा गए धरती पर। और जब उठा रानी को, जो महाराज हौसला रखिए नहीं, बोला क्यों कर रखू जा दमयंती नहीं पाई तो भीमसेन जी होगा नहीं। रंग रखाना पीना
तेरा छूट गया, सब करिया लाचारी होगी, और जय दमयंती नहीं मिली तो मेरे मरने की तैयारी होगी। अरे उसने जुलम करया, ये महाराज क्या गा? पुष्कर संग हाथ मिल के राजा नल ने जुआ खेल के, अरे कदे ना देखा कष्ट झेल के, पर आज घना दुख ठारी होगी। दोनों भाई के फिर महलों में ले गया और सिपाही भेज दिए। निबला भाई राजपाट तो हार लिया, तुम एक काम करियो, पर मेरी बेटी दमयंती और राजा नल को तुम्हारे ले आओ। सिपाही वहां गए, वहां से वापिस मुंह लटकाए आए। निवलारा कह रहा है, हे महाराज हम गए थे निषदपुरी में, वहां से तो और रिपोर्ट मिली के भाई पुष्कर का तो अधिकार हो गया, अरबाई नगर तक बाहर कर दिए थे, अरबाई 3 दिन वे नगर के पास में खड़े रहे, फिर जंगल कहन चले गए। सिपाहियां ने रिपोर्ट दी, सारी टुकड़ी जंगल में भेज देने वाला, सारा जंगल छाने मारो, मेरी बेटी मेरे पास होनी चाहिए। सिपाही सारा जंगल छाने मारे, कोई खबर नहीं लगी। फिर बताते हैं, 2 सिपाही जिस ऋषि के मैं रास्ता बताया था कि तुम उड़ चली जा, इसके आश्रम में पानी पीने चले गए। ऋषि भजन में बैठा था, उसने देखा ने बोला, रे कौन? क्या जी, हम तो राजा भीमसेन की सेना के सिपाही। निवला भाई सेना परे नहीं बाजी जाती, निवला जी हमारी सेना की टुकड़ियां आई हुई, निवला को युद्ध की तैयारी है। निवला महाराज नहीं, ओ क्या हमारे राजा की लड़की है और वो अपना पति के साथ इस जंगल में आई थी, हम राजा नल और दमयंती की तलाश में। इतनी बतला के वे चाले, फिर ऋषि को ध्यान आ, रुका मारा निवला थमी हो रहे, के नाम बता छोरीगा? निवला जी दमयंती, और उसके साथ उसका पति है राजा नल, वो जंगल की तरफ आए। निवला भाई मेरे को याद आता है एक वाकया के मिली थी एक छोरी, और भाई दमयंती है उसका नाम था, वो दमयंती अपना नाम बताओ थी, पर भाई उसकी गैल उसका पति नहीं था जो राजा नल को हो, वहां तो उसने ढूंढती अंध थी बेचारी, एकली थी। सिपाहियां ने रिपोर्ट दी कि वह महाराज उड़े तभी जंगल में जा लिए, जंगल में भी एक बाबा ने बताई हुआ था, एकली थी उसके नल नहीं था। इतनी कहते तो हाथड़ मार कर रोया, अगला रानी जुलम हो गया थे। अरे मन पापी ना धीरा चतार Thank you.
पीना धीरज धरता, कद कम मारिया मारिया फिरता। रानी सुनिया गया से वाह पति वरता, आज अपने पति तो भी नारी होगी, राजा नल भी उसके साथ नहीं। हर देखे मेरा तो एक ध्यान माओ से, हे महाराज रानी समझाती है मेरी बेटी पढ़ी लिखी है वह संभाल लेगी। बोला बावली तो नहीं है, कितना है समझदार हो, कितना है पढ़ा लिखा हो, कितने दुखान होता है दुख बावड़ा बना दे मानस ने, उसने कोई रास्ता नहीं दिखाया। मेरा मन न्यू मन कदे न्यू नहीं सोच जा, जिसकी बेटी सुखी उसका जन्म सुखी, जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। रानी कोई जीना जाना नहीं, क्या दें रास्ता बता दिया था, बस तू इस रास्ते से नहीं जा, और मैं मेरे आगे वह चाल पड़ी थी। यो भी सिपाहियों ने आके संदेश दिया महाराज बनी उन चाल पड़ी थी। बोला सारी की सारी फौज जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, उड़े जाओ। ब्राह्मणों को बुलाया, निवला जितने भी उस रास्ते पर आसपास नगर सारे नगर छान मारो, मेरी बेटी मिलनी चाहिए, जीवन का एक लक्ष्य। फौज जंगल में घुस जाती है, ब्राह्मण नगरों को छानने में लग जाते हैं। ब्राह्मण घूमता 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 चंदेरी में पहुंचा। चंदेरी में छोटी धीर कुंदनपुर में बड्डी थी, दोनों बहन थी वे। वो तो सुधा जना ने मैं लाम गया, वह बतलाओ मेरी बहन ठीक से, कुंबा कबीला ठीक से, और उड़े दमयंती जो उसकी मौसी की छोरी थी उसके शर्म तेल लाने आई। वो बतलाओ सारी बात करे कि के ठीक से, तेरी बहन की छोरी है दमयंती वा खूरी है, और बस उसकी तलाश में घूमते फिर रही। तेल रमा और बोल नहीं, और शुभ कर बैठी बैठी क्यों कानना मवा सारी जा। और जब रोती देखी उस पर नजर पड़ी, ब्राह्मण ने भी जब जो अछाड़े ही लागी तो रजा के ला बेटी एक बार मेरी तरफ चेहरा करो। दमयंती ने मुंह उठाया, दमयंती ने भी जाने फिर वो भी दमयंती ने फूट कर रो शांति कराई, हे बेटी ये तुम्हारे है। सारी दास्तान दमयंती ने ब्राह्मण को बताई, वो लताड़ता रहा उस महारानी को कि तने जुलम कर दिया अपनी बहन, तेरी छोरी तो शर्म मालिश करावे, और या तेरी बहन की छोरी इसमें फर्क आ गया, या दासी की जगह यहां राज खुल जाता है। बड़ी गलती अपनी स्वीकार करती है उसकी मोशन का, छोरी तने चाड़ा कर दिया, तने बता देना चाहिए था। वहां से ब्राह्मण के साथ उसको विदा किया, माँ बाप ने बहाज कर छाती गलाई कि हे परमात्मा मेरी बेटी उल्टी आई।
लड़का इंद्रसेन इंद्रावती भी दमयंती को मिल जाते हैं। कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद दो चार पांच छह महीने साल भर बीता, राजा भीमसेन कहते हैं बेटी ये तेरे सामने जो पहाड़ जैसी उम्र पड़ी हेल्या तेरा दूसरा ब्याह कर दूं। दमयंती एकदम पाटी पिताजी जबान को लगाम दीजिए, एक शादीशुदा लड़की की आप दोबारा शादी करने की बात करते हो, ये छोरी इतना भूत लकड़िया नहीं पे, इतना आराम ज्यादा जो तुमने गए ले गया रुड़े एक ने छोड़ गया मौत के मुंह में, तू आज भी उसकी बात में पिताजी मैं एक पति भरता औरत हूँ, मैं उसकी इंतजारी में एकदम मर गया होगा, कोई शेर बघेरा खा गया होगा, इसे जुआरी जी की बात देखनी है, और मेरी बात सुन ले, मेरी बेटी है नरक में नहीं दिखाऊंगा और ना ये नरक की जिंदगी में जीने दूंगा, ये मैं ठाठ बात से रंग ठाठ से किसी राजकुमार से तेरी शादी करूंगा, मैं मानूंगा नहीं। बाप बेटी में खिंचगी, दोनों का तनाजा बढ़ता चला जाता है। अपनी माँ कहने को हे माँ ठीक है मैं इनकी पुत्री हूं, सब तरह से इनके अधीन हूं, पर माँ एक रास्ता है कि ये पहले भी तो मेरा स्वयंवर होया था, मैं फिर स्वयंवर कर लूंगी। ये बेटी ये शर्म करे, तू दोबारा स्वयंवर की बात देखे, हे माँ मेरी शर्त होगी कि मैं एक चिट्ठी लिखूंगी, जो उस चिट्ठी का जवाब दे देगा मैं उससे गल ब्याह कर लूंगी, मेरे बाप की भी रह जाएगी मेरी भी, कोई भी जवाब। दमयंती की मां ने राजा भीमसेन को बताने वाला मेरे को शर्त मंजूर है, शहर देनी लिख के लिख जाना है। उसने चिट्ठी लिखी क्या, जग में फूलिया फलिया नहीं करते, बनकर धोखेबाज किसी ने छड़ा नहीं करते, आगे के लिखा I don't know.
छोटे सोमती जंगल में